और इसकी जो मॉडिफिकेशन है वो सिंपल सी सुपर सी मॉडिफिकेशन है इसके अंदर वाइजर जो कि लगा देगा इसके अंदर। ये वाइजर जो आपको पता है अमूमन ज़्यादातर बाइकों के अंदर हमें सीएनसी इधर आपको मिलता रबड़ ये आपका लगा देगा इसके अंदर। वो जो ओरिजिनल होता है ना फिटिंग दिखाता हूँ आपको कैसे, ये देखिए एक फिटमेंट बैक में मैं हूँ आपका अपना राजभराज आपके सामने एक्सट्रीम 125 आर। और इसकी जो मॉडिफिकेशन है वो सिंपल सी सुपर सी मॉडिफिकेशन है जो कि हर बाइक में अच्छी लगती है। अब मैं दिखाता हूँ इसके अंदर किया क्या क्या है। सबसे पहले मिलेगा इसके अंदर वाइजर जो कि लगा देगा इसके अंदर। ये वाइजर जो आपको पता है अमूमन ज़्यादातर बाइकों के अंदर हम ये लगाते हैं एक्सट्रीम 125 आर के अंदर, जो कि देखने में ऐसा लगता है कि शायद कंपनी ये चीज़ें फिट करके दे रही हो। और उसी तरीके से आपको नीचे मिले विंगलेट जो कि आपको ये भी ऐसा लगे कंपनी से फिटेड आई हो। लुक चेकआउट करो दोनों की किस तरीके से आती है। इसकी जो फेस की जो लुक है ना उसमें चार चांद लग जाते हैं इसे लगाने के बाद। और नीचे आपको देखने में मिलेगा इसके अंदर शॉक प्रोटेक्शन और फॉक्स लैडर। इधर लगा देगा शॉक प्रोटेक्शन फॉक्स लैडर जिसे लगाने के बाद आपके शॉकर मडगार्ड ये होता है पूरी तरह सेफ। और नीचे इसे लगाने के बाद फॉक्स लैडर इससे आपका ABS प्लेट डिस्प्ले ये होती है पूरी तरह सेफ। और ब्लैक बाइक है तो ब्लैक ही लगा देगा जो इसकी लुक को करता है काफ़ी ज़्यादा एनहांस लगने के बाद। पर जज भी नहीं कर सकते कि शायद आफ्टर मार्केट है या कंपनी से लगा हुआ है। उसी तरीके से नीचे आपको मिलेगा इसके अंदर, इसके अंदर देख सकते हैं ये इसका व्हील कवर है जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए। ये होता है हाफ वाला, वैसे आपने देखा होगा ज़्यादातर फुल वाला भी होता है बट आगे हाफ और पीछे फुल वो ज़्यादा बेटर रहता है। सेम उधर सेम देखने मिलेगा इस तरफ। इसी तरीके से शॉक प्रोटेक्शन फॉक्स लैडर वो भी इस तरफ लगा दी गई है इसके अंदर। और उसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर लीवर गार्ड ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया ब्लैक कलर का है। ब्लैक कलर का मतलब समझ सकते हो आपकी गाड़ी है ब्लैक तो ब्लैक में ब्लैक ही अच्छा लग रहा है इसके अंदर। इस सबका लीवर और हैंड दोनों होते हैं प्रोडक्ट सेम। इधर सेम देखने में लगा आपको इस तरफ लुक चेकआउट कर लो लगने के बाद कैसी आती है इसकी। और इधर आपको मिलेंगे इसके अंदर हैंड ग्रिप जो कि मिलता है ब्लैक, पूरा ब्लैक है देख सकते हो आप। इधर आपको मिलता है इसका CNC, इधर आपको मिलता है रबड़ ये आपका लगा देगा इसके अंदर। वो जो ओरिजिनल होते हैं ना वो काट के फिर लगाए जाते हैं वाले, क्योंकि ये भी आपके होते हैं ओरिजिनल वाले, लोकल ये भी नहीं होते हैं। इधर आपको मिलता है बोबो का ओरिजिनल मोबाइल होल्डर जो कि देख सकते हो आप। इसमें मोबाइल होल्ड करने के बाद कहीं भी आप इजी टू राइड कर सकते हो। मॉडल इसके अंदर बहुत सारे मिल जाते हैं अपने पास, जैसे कि वायरलेस, वाटरप्रूफ, नॉन वाटरप्रूफ, चार्जिंग, नॉन चार्जिंग, सारी वेराइटीज़ हमारे पास इसकी अवेलेबल है। और उसके बाद दिखाता हूँ इसके अंदर क्रैश गार्ड देख सकते हो। ये वही क्रैश गार्ड है जो आपने मेरी ज़्यादातर वीडियोस में देखा है, क्योंकि मैं लोकल वाला माल बिल्कुल भी नहीं लगाता हूँ। जैसे कि आफ्टर मार्केट के अंदर लोग बेच रहे 1200-1300 रुपये वाला, वो माल लाता हूँ बेचता हूँ ना ही मैं उसका सजेशन देता हूँ। बाकी आप लगाना चाहो लगवा सकते हो, वो मैं भी लगा दूंगा लेकिन फ़ायदा नहीं होने वाला उसके अंदर, क्योंकि वो होता है आपका पत्ती से फिटिंग बट ये आपका प्रॉपर फिटिंग। दिखाता हूँ आपको कैसे, ये देखिए एक फिटमेंट मिलती है आपको इस तरफ देख सकते हो, ये इसकी प्रॉपर फिटमेंट है। दूसरी मिल जाती है आपको इस तरफ इंजन के अंदर जो प्रॉपर फिटमेंट है। तीसरी मिलती है आपको इस तरफ, लुक चेक कर लो। और इसके बाद ना जब इतना हैवी क्रैश गार्ड लगाने के बाद अगर आपकी बाइक में कुछ हो तो फ़ायदा क्या काम कराने का, तो इसीलिए मैंने इसमें लगाया बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का। और ये स्लाइडर्स होते हैं जो गाड़ी गिरने के बाद आपकी पूरी बाइक को करते हैं प्रोटेक्ट, आपके TPFC टैंक और आपके खुद के लैक्स ये होते हैं पूरी तरीके से प्रोटेक्ट। सेम इधर देखने मिलेगा, सेम मिलेगा आपको इस तरफ, लुक चेकआउट कर लो कैसी आती है इसकी। और उसके बाद इसमें लगा देगा गियर शॉक जिससे आपका शूज़ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला इसे लगने के बाद। इधर आपको मिलेगा साइड स्टैंड जैकेट देख सकते हो, जिससे आपका स्टैंड में लगाने के बाद ना कहीं भी खड़ी करते हो तो एक तो बाइक स्टेबल खड़ी रहती है, दूसरी बात कहीं भी पानी वगैरह है कोई रेत वेत कुछ भी चीज़ों की कीचड़ वगैरह तो आपकी बाइक स्किड बिल्कुल भी नहीं होती है इसे लगाने के बाद। और इसके बाद इधर दिखाऊंगा आपको ब्रेक पैनल एक्सटेंडर ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया, क्योंकि इसका ब्रेक पैनल जो होता है वो छुट्टू मुट्टू से होता है, ब्रेक मारने के बाद पैर स्किड्स ना हो उस केस में इसका ब्रेक पैनल एक्सटेंडर लगा दिया गया, जिससे अभी क्या हुआ थोड़ा लॉन्ग हो गया ब्रेक पैनल इसका। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज आपका यही होता है कि बारिश में खासकर ज़्यादा यूज़ होता है ये। और इधर आपको मिल जाता है इसके अंदर सुपर बाइक वाला आपको स्लाइडर, जिससे इसकी लुक भी नहीं सूखी और साथ में ना आपका एग्जॉस्ट हो गया पूरी तरीके से। और जैसे आगे एक क्रैश गार्ड उसी तरीके बैक साइड ऐसे क्रैश गार्ड कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ही हैवी क्वालिटी का स्लाइडर जो कि इसके अंदर लगा दिए गए। इधर आपको देखने मिलेगा सीट कवर जो कि विद कुशनिंग ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया, इसे लगाने के बाद आप इजी टू राइड कर सकते हो अपनी किसी भी बाइक में करा सकते हो, जैसे कि इसके अंदर करें देख सकते हैं आप काफ़ी सॉफ्ट है, बैठने के बाद राइड इजी हो जाएगी आपकी, चाहे आप प्लेन राइडर हो चाहे आपका फ्रंट राइडर हो। देखिए इसमें हॉर्न भी लगा देंगे जो कि आपको पता है कि जब भी बाइक आती है हॉर्न ना हो तो कोई बेनिफिट नहीं होता, हॉर्न भी इसके अंदर लगा दिया गया है। और इसके बाद आपको दिखाऊंगा इसके अंदर लैमिनेशन ये भी इसके अंदर कर दी गई, देख सकते हो ट्रिपल लैमिनेशन है जिसे लगाने के बाद पूरी बाइक हो जाती है पूरी प्रोटेक्ट देख सकते हो आप। और लगने के बाद कोई जज भी नहीं कर सकता कि इसमें किया भी है नहीं किया गया, क्योंकि अपने पास जो होता है प्रोफेशनल वर्क होता है, जो जैसे कि आप सब जानते हो कि राजू भाई काम करके ही पैसे लेता है, बिना काम करे तो दुनिया ले लेती है, तुम्हें पता ना
बेफ को बनाने में क्या लगता है कि भैया कुछ भी चिपका दिया इसमें और उसके बाद पैसे ले लिए और आगे जाके आप कौन मैं कौन कोई नहीं जानता, तो अपना वो कम नहीं है। और यहाँ पर आगे इसकी तो कोई मोटिंग कम्प्लीट। अब बोला तो भैया से जिन भैया की बाइक है उनको फाइनली कैसा लगा? तो सर कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया। अब बताइए कैसा लगा आपको? अब तक आप दूसरों की वीडियो मारा था, खुद की वीडियो अच्छा लगा। काम आपने बहुत अच्छा करके दिया, मैं आगे भी रिकमेंड करूँगा फ्रेंड्स के लिए, अपने रिश्तेदारियों में सबको। काम बहुत अच्छा किया है और नो डाउट सुबह से हम आ रखे यहाँ पे, ये नहीं करा कि भैया ने कि मतलब जल्दी जल्दी काम कर दे। भैया के पास इससे पहले और भी बाइक खड़ी थी, मगर भैया ने पूरा प्रॉपर काम दिया है, पूरा प्रॉपर इसके अंदर टाइम दिया है। यानी ये टाइम जल्दी जल्दी करके दे दियो ऐसा नहीं, पूरा प्रॉपर अच्छे से टाइम लगा करके पूरी सेटिस्फेक्शन करके तब मेरे को बाइक दिया, मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन है इससे। थैंक यू सो मच। भैया ने सारा कुछ ना सुबह से देख रहे हैं वीडियो बना रहे हुए, तो भैया ने सारा कुछ देख लिया, क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा खुद ही जवाब दे दिया उन्होंने, कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं मेरे को। तो थैंक यू कि मैंने पूछा नहीं। बाकी अगर अच्छा लगा चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, रजू भाई एसकेडी को जो कि मिलता है आपको यूट्यूब पर सेम मिलेगा इंस्टाग्राम पर भी। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर आपका मेरा जो है डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, एड्रेस भी डला, लोकेशन भी डली हुई है। बाकी आप चाहो तो स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है जो कि मेरा पर्सनल नंबर है 7827217714। आप चाहो डायरेक्ट मुझसे भी बात कर सकते, कुछ भी मंगाना हो तो कुरियर भी आपका हो जाता है। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय श्री राम, मिलते हैं, गुड बाय।